ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर ललितपुर से है, जहां ललितपुर के नाराहट कस्बे के 10 दर्जन युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। गांव में बिजली की समस्या काफी बनी हुई है, जिससे फसलों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने मांग की कि गांव में ही पावर प्लांट बनना चाहिए। लोगों का क्या कहना है, सुनिए हमारे संवाददाता विकास सोनी की इस रिपोर्ट में। ललितपुर से 50 किलोमीटर दूर जहां पर नाराहट, वहीं पर जहां पर जिलाधिकारी के पास आए हैं वहां के ग्रामीण। आइए जानते क्या समस्या लेकर आए हैं और क्या समस्या है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि करीबन कम से कम लगभग 10 दर्जन से अधिक लोग यहां पर आए हुए हैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए। वहीं पर बीसी चल रही है जिलाधिकारी की, इंतजार कर रहे हैं, मुख्य द्वार पर बैठे हुए थे धरना देकर। आइए जानते क्या समस्या लेकर आए हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राघवेंद्र सोनी है। अच्छा, कहाँ के निवासी? मैं नाराहट का निवासी हूँ। अच्छा, क्या समस्या लेकर? समस्या हम लोग ये लेके आए हैं कि सन 1978 के आसपास हमारे नाराहट कस्बे में बिजली चालू हुई थी, और वो बिजली का जो उपकेंद्र है वो था बिरधा। अच्छा, नाराहट से बिरधा की दूरी करीब 20 किलोमीटर है, और वो ही लाइन आगे करीब 25 किलोमीटर और गई है। लाइन चूंकि लंबी है, उपकेंद्र एक ही है, तो लाइन में बार बार फॉल्ट आते हैं, वोल्टेज की समस्या बराबर बनी रहती है। कूलर, पंखे, टीवी, फ्रिज, इतनी भीषण गर्मी में कोई व्यक्ति यूज नहीं कर पा। अभी कहाँ पावर हाउस लगा हुआ है जो नाराहट से, जहाँ से बिजली? नाराहट से 20 किलोमीटर दूर बिरधा। कितने 20 किलोमीटर? 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, तो क्या फॉल्ट की स्थिति हर बार बनी रहती है? बिल्कुल बनी रहती है, क्योंकि बिरधा उपकेंद्र से तकरीबन 60 गांवों के लिए सप्लाई गई है। अगर ओवरऑल अपन उस बिजली लाइन की लंबाई अनुमान लगाएं तो लगभग 50 किलोमीटर बैठती है, और 50 किलोमीटर में आप समझ सकते हैं कि हर गांव में कभी ना कभी फॉल्ट आते रहते हैं। गांव में वोल्टेज की स्थिति क्या है? वोल्टेज हमारे यहां तकरीबन 60 से 90 के बीच में आता है, इस वजह से कोई बिजली का उपकरण काम नहीं करता है। बच्चे इतनी भीषण गर्मी में बिलख रहे हैं, जो टीचर अपनी ग्रीष्मकालीन छुट्टी जो है घर पे निकाल रहे हैं, उनको घर पे जीना दूभर हो रहा है। अच्छा, तो क्या मांगे हैं आपकी, किस प्रकार ये समस्या दूर हो सकती है, क्या मांगे हैं? असल में 2020 और 2021 के आसपास तत्कालीन ऊर्जा मंत्री माननीय श्रीकांत शर्मा जी द्वारा हमारे नाराहट के लिए एक विशेष उपकेंद्र की स्थापना का प्रपोजल दिया गया था, उन्होंने घोषणा की थी। तत्कालीन ग्राम प्रधान ने उस उपकेंद्र के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा जमीन भी हस्तांतरित कर दी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अब उसके पीछे चाहे जनप्रतिनिधियों की लापरवाही रही हो, चाहे शासन की उदासीनता रही हो, वो आज तक धरातल पे काम शुरू नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा हम नाराहट कस्बा, जिसकी आबादी लगभग 25,000 है, वहाँ की वोटिंग लगभग 10,000 है, नगर पंचायत से किसी मायने में कम नहीं है, ललितपुर जिले के सबसे बड़े कस्बों में शुमार है नाराहट। तो क्या मांग है आपकी, क्या आप 2021 में जहां पर पावर हाउस के लिए आपके द्वारा स्थान भी दिया गया था ऊर्जा मंत्री द्वारा, जहां पर कहा गया था कि पावर हाउस निर्धारित किया जाए, तो क्या मांग आपकी, क्या ये था स्थिति नाराहट में रखने की है क्या? नाराहट में यदि पावर हाउस बन जाता है तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। आम उपभोक्ता के साथ साथ किसानों की भी जो समस्या है बिजली की, वो भी दूर हो जाएगी। किसानों की जो कृषि में लागत है, वो आज की तारीख में सबसे ज्यादा लागत है डीजल की। यदि पावर हाउस बनता है तो किसान भी खुशहाल होगा। क्या अभी फसल की स्थिति क्या बनी हुई है? फसल की स्थिति पूरी तरह से सूख चुकी है। अभी फिलहाल मूंग की फसल का सीजन चल रहा है, किसान डीजल जला के अपना मूंग की सिंचाई कर रहा है, और जब वो फसल बाजार में आएगी तो उसका मूल्य उसको इतना भी नहीं मिल पाएगा कि जितना वो डीजल उसके प्रति जला चुका है। कि व्यापारियों का क्या है कहना बिजली की समस्या को लेकर, क्योंकि बिजली जहां पर 20 किलोमीटर दूर से कई गांवों से होकर ग्राम नाराहट में आती है। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? नीतेश राठौर। नीतेश राठौर, कौन से पद पे हैं आप? हम व्यापार मंडल अध्यक्ष नाराहट। अच्छा, क्या व्यापार की स्थिति बनी हुई है बिना बिजली की? व्यापार सबसे ज्यादा व्यापार चौपट है बिजली की व्यवस्था के चक्कर में। जी, कम से कम 40% व्यापारी कनेक्शन लिए हैं, बाकायदा बिल भरते हैं, और कम से कम 70-80% बिल भरे जाते हैं नाराहट से, और अब और की जगह नहीं, नाराहट सबसे ज्यादा बिल भरे जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या लाइट की रखी है, सब लोग मतलब व्यापारी बहुत परेशान है। तो मांग क्या है? वो पावर हाउस बनाया जाए, और अभी इस टाइम अभी तो नहीं हो सकता है, लेकिन अभी कुछ किया जाए, या पहले जुड़ा था वहाँ से नमामि गंगे से, जी जी, तो यथास्थिति उससे जोड़ दिया जाए जब तक पावर हाउस नहीं बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? शुभम सोनी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे शुभम सोनी, क्या स्थिति बनी हुई है लो वोल्टेज के साथ साथ, और जहाँ पर किसानों को
पानी की सुविधा होने के कारण फसल सूखी रही है। जहाँ तक किसानों का सवाल है तो यहाँ पर जो हमारी सूबे की सरकार वो कहती है कि किसानों की आय दुगनी हो, और जब डीजल जला के किसी किसान को अपनी फसल की सिंचाई करनी होती है, जब वो फसल अपनी बेचने जाता है तो उसकी कीमत उसको बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, तो किसानों की आय कैसी दुगनी, इस पर भी एक सरकार की तरफ से सरकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दूसरी जो हमारी ग्रामीणों की जो समस्या है, हम जिस के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं युवा साथी, कहना है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये आज दुनिया का सबसे बड़ा, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, और अब हम सभी नारायण की युवा एक साथ हुए हैं, और हम लोगों की मांग है कि नारायण में जल्द से जल्द बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो, और यदि नहीं होती है तो हम लोग रख रहे हैं, और यदि आने वाले 5 दिनों में यदि इस पर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई विशेष अच्छी कार्रवाई नहीं होती जैसी हम लोग चाहते हैं, तो आने वाले 5 दिन में हम लोग आमरण अनशन करेंगे, यहीं ललितपुर में करेंगे, और यदि यहाँ पर भी हम लोगों का आंदोलन सफल नहीं होता है, यदि कोई अधिकारी नहीं सुनता है, तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, केंद्र की सरकार के लिए भी बैठेंगे, राज्य सरकार के लिए बैठेंगे, हम अपनी मांगों के लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं वो सब करने का प्रयास करेंगे। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो निवर्तमान सांसद माननीय अनुराग शर्मा जी हैं, उन्होंने भी इसके लिए प्रयास किया था, उन्होंने पत्राचार किया था, यदि गार्ड फाइल निकाली जाए तो पूरे दस्तावेज मिल जाएंगे, लेकिन सूबे में और केंद्र में सरकार होने के बाद भी यदि इतनी बड़ी ज्वलंत समस्या का समाधान नहीं हो पाए तो ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की कार्यशैली पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम लोग यहाँ कोई अवैध मांग करने नहीं आए हैं, यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं जनता की सुनने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। जहाँ तक रही बात आंदोलन की, हम लोग युवा साथी हैं, हम किसी पत्थर में भी अपना सर मारेंगे तो पानी निकालने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए हमें लखनऊ जाना पड़े चाहे दिल्ली जाना पड़े, इस भीषण गर्मी में पदयात्रा करनी पड़े, हम लोग तैयार हैं। लेकर जहां पर युवा आए हुए हैं जिला अधिकारी के पास, और वहीं वो दिया है ज्ञापन, इनके द्वारा साफ चेतावनी दे दी गई है अगर विद्युत व्यवस्था की जहां पर सुचारू रूप से गांव में नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।